हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप टिकट ले लेते हैं किसी भी एयरलाइंस का, या फिर आप कहीं से इशू करवा लेते हैं, या आपको कोई एजेंट जो है टिकट दे देता है, और आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, जैसे कि आपको यह लग रहा हो कि आपका टिकट जो है फेक है कि रियल है, या फिर आप उसका टाइमिंग चेक करना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप जो है अपने टिकट को ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका टिकट जो है रियल है या फिर फेक है। फ्रेंड्स, ऐसे में आपको कैसे वेरीफाई करना है और कैसे आपको फ्रॉड से बचना है, और आपका टिकट जो है चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, आप उसको जो है बड़े ही इजी तरीके से अपने मोबाइल से ही आप वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, कुछ एजेंट जो है टिकट जो एडिट करके दे देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उसके पैसे भी ले लेते हैं। बाद में पता लगता है कि आपका टिकट जो है फर्जी था। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप जो ऑनलाइन चेक करें और वेरीफाई करें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका टिकट जो है रियल है या फिर फेक है। कैसे चेक करना है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना है, और आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सऊदी एयरलाइंस का टिकट चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर और भी किसी एयरलाइंस का टिकट चेक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको एयर इंडिया का जो है टिकट चेक करके बताने वाला हूँ कि अगर आपने एयर इंडिया का टिकट ले रखा है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। सिंपली आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है। अब जैसे ही आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो सिंपली सर्च बार में टाइप करना है एयर इंडिया। इसको टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, www.airindia.in। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि एयर इंडिया का यह ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस पेज पे आने के बाद आपको ऊपर में कई सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैनेज का, ऑफर का, ट्रैवल इंफो का, फ्लाइंग रिटर्न का, बैगेज का, और फिर कॉन्टेक्ट का। आपको करना क्या है, सिंपली स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। अगर आप यहां से फ्लाइट भी सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करके देख सकते हैं, और आपको चेक करने के लिए सिंपली मैनेज बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, जो कि सबसे पहले वाले ऑप्शन में बुकिंग रेफरेंस नंबर या फिर पिनार नंबर आपको टाइप करना होगा, और सेकेंड ऑप्शन में लास्ट नेम टाइप करना है। यह पिनार नंबर या फिर बुकिंग रेफरेंस नंबर आपके टिकट पे ही लिखा हुआ मिल जाता है, वहाँ से आपको देख लेना है और यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए यहाँ से जो है पिनार नंबर को टाइप कर लेते हैं। पिनार नंबर टाइप करने के बाद आपको लास्ट नेम में आना है और अपना लास्ट नेम टाइप करना है। जैसे अगर आपका नाम राम कुमार है तो कुमार जो है लास्ट नेम आता है, आपको सिंपली लास्ट नेम यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका बुकिंग डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब यहां से आपका बुकिंग डिटेल दिखाया जाएगा एंड बुकिंग रेफरेंस नंबर देख पाएंगे। नीचे आएंगे तो मैनेज बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा, गेट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो फ्लाइट डिटेल्स में आप देख पाएंगे कि आपका फ्लाइट जो है कहाँ से कहाँ तक के है, और कौन से एयरपोर्ट से आप डिपार्चर करेंगे, और कौन से एयरपोर्ट पर आप अराइवल होंगे। यहाँ पर सारा डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे। और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर वाया करके आपकी फ़्लाइट, तो वाया का डिटेल दिखाया जाएगा कि वाया कहाँ पर होकर आपकी फ़्लाइट जाने वाली है। और फिर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका नाम दिखाया जाएगा, आपका क्या नाम है, फुल नेम यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर आपको टिकट नंबर भी नहीं पता है तो यहाँ से आपका टिकट नंबर भी मिल जाता है, अगर आपकी टिकट पर नहीं लिखा हुआ है तो। और फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप जो है डिटेल चेक कर पाएंगे, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी चेक कर पाएंगे।
थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो बैगेज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप फ्लाइट में कितना केजी लगेज ले जा सकते हैं एंड कितना केजी हैंड बैग ले जा सकते हैं, यह भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। यानी आपका पूरा का पूरा टिकट का डिटेल्स यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और अगर यह टिकट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अपने टिकट को ऐसे जो है वेरीफाई करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।